आज के डेट में जो ड्राइव चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लोग बाग डर चुके हैं, गरीब लोग जो है वो डर चुके हैं, क्योंकि यहाँ के जो सियासतदान है उन्होंने इस चीज को दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया। यहाँ का जो आवाम है, जनता जो है, यहाँ की गरीब जनता वो डर चुकी है। मैं आप लोगों के माध्यम से उन तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो ड्राइव चल रहा है, ये ड्राइव उन लैंड माफियाओं के लिए चल रहा है जिन्होंने 100-100 कनाल, 200-200 कनाल, 400-400 कनाल अपने बेटों के नाम, अपने बीबियों के नाम, अपने बच्चों के नाम किया हुआ है। यहाँ तक कि हमारे जो चीफ श्रीमान रविंदर रैना जी, वो अक्सर पिछले कई टाइम से इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये गरीब जनता जो है, जिनके पास 15 मरले जमीन, 5 मरले जमीन या 10 मरले जमीन जिनके पास भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी इस प्रकार से ये कह दिया है कि इन लोगों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर साहब ने भी ये कहा, मेहता साहब ये कह चुके हैं कि उन लोगों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी जिन लोगों ने 100-100 कनाल, 200-200 कनाल, 400-400 कनाल खाए हैं। ये ड्राइव उन लैंड माफियाओं के लिए है और उन लोगों को हम लोग इस तरीके से संज्ञान में लेंगे जिन लोगों ने ये गलत काम किया है। और मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो इस ड्राइव को गलत तरीके से मार्केट में ये शोषा बना चुके हैं। आज के डेट में ये तब कहां थे, आज के डेट में इनके 3 पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट में है, वो इस बात को क्यों नहीं कहते हैं, वो इस बात को गरीब जनता के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े लैंड माफियाओं का काम इन लोगों की ही सियासत में हुआ जिस माध्यम से ये सब चीजें हो गई। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से, आज जो दिन है, मैं उन सब पुलवामा अटैक के शहीद भाइयों को मैं नमन करता हूं, आप लोगों के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।